मैं चाहता हूं कि आज हम सब देखें और हम सब समझें कि हम क्या कर रहे हैं। अश्विनी दिखाइए एक बार फिर से वो तस्वीर जो भी आप दिखा रहे थे, दिखाइए एक बार फिर से, लोगों से एक बार फिर से बात कीजिए। कल को वो बेड नहीं मिलेगा उनको, भगवान करे उनको जरूरत ना पड़े, लेकिन कल को उनको या उनके किसी घर वाले को, रिश्तेदार को बेड नहीं मिलेगा तो वो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? बिल्कुल, मैं तस्वीर दिखाता हूँ, आप तस्वीर देखिए और सीधे तौर पर ये तस्वीर आपको बताएगी कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। और सही कहा आपने कि अगर तीसरी लहर आती है तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। देखिए लोग यहाँ पर काफ़ी हैं जो खड़े हैं और बगैर मास्क के हैं। मैं इनसे कोशिश करता हूँ बातचीत करने की, थोड़े दूर पर हैं ये लोग और इनसे बातचीत करेंगे और इनकी इनकी बात समझेंगे। आप लोग बगैर मास्क के यहाँ पर आए हैं, आपको डर नहीं लगता कि अगर तीसरी लहर आएगी तो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? दूसरी लहर में हमने देखा ऑक्सीजन की कमी थी, बेड नहीं मिल रहे थे। बात सही है आपकी, पर खाते हैं तो हम क्या करें यार? अभी आप ले रहे हैं सर, इसके पहले आप बगैर मास्क के थे, आपके साथ जो लोग आए हैं देखिए किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। अभी अभी आप लोग खाने आए हैं, इसके पहले मैं देख रहा हूँ आप लोग बगैर मास्क के थे। वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड, वैक्सीन ले लिए, लेकिन वैक्सीन पूरी तरह से प्रूफ नहीं। आपको मालूम होगा कि वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ लोग संक्रमित हुए हैं। नहीं, वो 90% तक है, हमको भरोसा है भारत सरकार पर, हमारी वैक्सीन पर। चलिए देखिए, आप यहाँ पे अभी मास्क पहन रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि खतरनाक साबित हो सकता है। बताइए, जैसे बेड नहीं मिल रहा था लोगों को, बराबर है, लगता है कि तीसरी लहर आई, अगर इसी तरह से बेड नहीं मिलेंगे लोग परेशान होंगे, लापरवाही पे। जो मास्क पहना है वो नहीं है, जो आपने भी बराबर नहीं पहना है। बोलते बोलते नीचे गया, बताइए। तो वो भी हम खा रहे थे, आप लगाए नहीं थे? आप बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग गुजरात से है और हमको मोदी के शासन में पूरा भरोसा है, तो मोदी है तो मुमकिन है। और वो मोदी जी तो कहते हैं एक्चुअली मास्क लगाएं, मोदी जी तो गुस्सा हो रहे हैं, मोदी जी ने तो कैबिनेट में कहा है कि लोग बड़े लापरवाही बरत रहे हैं, लापरवाही ना बरते। पूछिए उन्हीं से जो गुजरात से, भाई साहब उनसे पूछिए, बोल रहे हैं मोदी जी पर इन्हें भरोसा है लेकिन मोदी जी की बात ये नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल, विजुअल में तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए, इस तरफ भी देखिए, यहाँ पे भी परिवार के कुछ लोग आए हैं जिन्होंने, आप मैम आप मास्क पूरी तरह से लगा लीजिए, बगैर मास्क के सर आप मास्क लगा लीजिए। देखिए आप लोग ऐसे भीड़ वाली जगह पर आए हैं बगैर मास्क, ठीक है, मैं आता हूँ अश्विनी। साफ है यहाँ पर लोगों, हर आदमी के पास अपना एक एक्सक्यूज है, हर आदमी के पास अपना एक एक्सक्यूज है इस बात को लेकर कि वो मास्क क्यों नहीं लगाता है, अपनी एक दलील है। लेकिन जल्दी से आप यूपी के चित्रकूट की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। चित्रकूट के घाट पर भी दिखी है घोर लापरवाही, चित्रकूट के घाट पर भी अमावस्या के स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, ना मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र, ये चित्रकूट की तस्वीरें हैं। अब आप चाहे लोनावाला के लोगों को जज कीजिए, चाहे चित्रकूट पहुंचे इन लोगों को देखिए, सवाल बस एक ही है इन सब के सामने, क्या कोरोना भूल गए, क्या कोरोना से डर नहीं लगता, क्या इनमें से किसी ने भी अपने किसी को कोरोना की वजह से नहीं खोया, और खोया तो क्या इनको उसका दर्द नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें डरा रही हैं। हम चाहते हैं कि देश जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो। सरकार के सामने कुछ चुनौतियां हैं, सरकार ने अभी केवल 36-37 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है, उसमें भी बहुत कम नंबर है दोनों डोज का। AK सिंह साहब, उसके बावजूद क्या लोग, मैं बार बार हर आदमी से वो सवाल पूछूं, क्या लोग ये क्या हम लोगों की जो मेमोरी है वाकई बहुत कमजोर है, या वाकई वो एक होता है ना YOLO इफेक्ट, यू ओनली लिव वंस, क्या लोग अब उस फेनोमेना पे चल रहे हैं? ये बेसिकली अभी हम लोग जो है जो देख रहे हैं ना, वो बहुत दिन से जब कोई वही बिहेवियर पैटर्न फॉलो करता है तो उसमें फटीग आता है। अब ये जो आपके चैनल ने और बाकी न्यूज मीडिया जो ये अपने माध्यम से इस वक्त प्रचारित कर रहा है कि हमें ये करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैक्सीनेट हो जाने के बाद भी, जैसे एक मैं सुन रहा था अभी, मैं वैक्सीनेटेड हूँ और दोनों वैक्सीन लेने, वैक्सीनेशन लेने के बाद भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं छोड़ना है। अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं तो मास्क लगाएं। ये जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग जो गलतियां कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये गलत बात है, अगर इनसे कहा जा रहा है तो ये तुरंत करें। और अभी हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग इस चीज से बाहर नहीं आए हैं। दूसरी वेव इतनी खतरनाक थी कि हर किसी के परिवार से, जानने वाले में या मित्र की किसी फैमिली से जरूर किसी न किसी की डेथ हुई है। इतना खराब थी सेकेंड वेव इंडिया में और पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम है। अब हम डेल्टा वेरिएंट के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट भी देख रहे हैं। तो वैक्सीनेशन की जगह जहां जहां वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां इतनी भीड़ नहीं है, पता आपको जितनी भीड़ आपको यहाँ पे दिखेगी। बिल्कुल, तो
पहले लोगों को ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है इस बात से कि अभी हम इस बीमारी से बाहर नहीं हैं। आपने डेल्टा वेरिएंट की बात की, मैं डॉक्टर रवि गोड से के पास जाऊंगा। आपने डेल्टा वेरिएंट की बात की डॉक्टर रवि गोड से, डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट आपके लिए कितना मैटर ऑफ कंसर्न है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।